तो कुकड़ू खाने के बाद हम खाना खाएंगे। डिनर हमारा तैयार है लगभग। हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सब बढ़िया होंगे और हम लोग भी एकदम बढ़िया हैं। आजकल मेरे ब्लॉग बहुत दिनों के बाद आ रहे हैं, बहुत बहुत दिनों के बाद, क्योंकि आजकल मैं सेम काम कर रही हूँ, वही जो मैंने पिछले ब्लॉग में दिखाया था। मक्की के छिलके निकाल रहे थे हम लोग और मम्मी वगैरह घास काट रहे थे। तो दो दिन में दादी आई थी हमारे घर, तब मैं ब्लॉग नहीं बना पाई और मेरे माइंड में भी नहीं आया कि मैं ब्लॉग बनाऊं। आज मैं रात को 8:30 बजे ब्लॉग शूट कर रही हूँ और आप देख भी सकते हैं मैंने कितने सारे कपड़े पहने हैं क्योंकि सर्दियाँ लगभग शुरू हो गई है। और जब सर्दी शुरू होती है तो गांव-गांव में तंदूर भी जलते हैं और आज हम लोगों ने भी तंदूर जलाया है, इसलिए मैं वीडियो भी बना रही हूँ आप लोगों को अपना तंदूर दिखाने के लिए। बहुत बहुत कम लोग होंगे जिन्होंने तंदूर अभी लगाए होंगे और कुछ टाइम के बाद तो सबके घरों में लगेंगे लगभग। ये आप देख सकते हैं, देखिए तंदूर सुबह ही डैडी ने फिट किया है और इसमें पानी गर्म होता है हमेशा ही और इसमें है लकड़ियाँ और साथ में कुकड़ू भी भुनूंगी मैं और खाएंगे हम लोग। गोयल जी को भी ठंडा हो रहा था, इन्होंने बोला कि आग जला दो, वैसे हमने आज तंदूर बस लगाया के लिए था। बाहर दरवाजे से बाहर आपको रात भी दिख रही होगी कि मैं रात को ही ब्लॉग शूट कर रही हूँ और दरवाज़ा खुला है ना, मम्मी जी गए थे किसी काम से बाहर तो दो दो कुकड़ू एक साथ भुने जा रहे हैं। पानी भी लग गया है, साथ में पानी भी गर्म होगा और कुकड़ू भी तैयार होंगे। तो कुकड़ू खाने के बाद हम खाना खाएंगे, डिनर हमारा तैयार है लगभग। एक तो लगभग तैयार हो गया है, पूरी तरह से भुन गया है और ये वाला थोड़ा सा रह गया है। जी हाँ, यह रेडी हो गया, देखिए भुन चुका है चारों साइड से। गर्म है थोड़ा, ओह दूसरा भी हो गया है पूरा तैयार। हम चार हैं और हाफ हाफ खाएंगे ये कल सुबह के लिए, क्योंकि इसको खाने के बाद हम डिनर भी करेंगे। डिनर हमारा रेडी है और ये भी सुबह के लिए बचा देते हैं, गरम गरम खाने में मज़ा भी आता है और ताज़े कुकड़ू है और गरम गरम भी खाएंगे हम लोग। ये जाएगा डैडी के लिए, ये जाएगा मम्मी के लिए। और आपको कौन सा चाहिए? लो। ताज़े ताज़े खाने में मज़ा ही अलग होता है। मैंने वीडियो इसलिए बनाई है क्योंकि एक तो हमने तंदूर लगाया है और दूसरा कि मैं ये वीडियोस क्यों नहीं आ रही आजकल। और दो दिन पहले जब दादी हमारे घर आए थे तो मैंने वीडियो नहीं बनाई और दादी मुझे पूरे एक साल के बाद मिली, क्योंकि दादी मुझे पिछले दशहरे टाइम मिली थी और दशहरा ख़त्म होने के दूसरे या तीसरे दिन आई थी दादी हमारे घर, और जो कि मैं दिखा नहीं पाई आप लोगों को। और पिछले परसों दादी जी चले गए थे, मेरी दादी कुल्लू। और कैसी लगी आपको मेरी शॉर्ट वीडियो बता देना ज़रूर, और आपको पता चला ही होगा मेरे ब्लॉग आजकल क्यों नहीं आ रहे हैं। और ये भी बता देना कि किन किन के घरों में तंदूर जल गए हैं। गांव में ज़्यादातर गांव में तंदूर जलते हैं, कहीं कहीं तो मैंने कुल्लू में भी देखा है, बाज़ार में भी तंदूर जलते हैं। तो कैसी लगी आपको मेरी शॉर्ट वीडियो बता देना ज़रूर। मिलते हैं एक नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, सी यू सून।